हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिचा सुतार में। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं खोआ गुजिया। हाँ दोस्तों, होली के दिन चल रहे हैं तो गुजिया तो बनाना जरूरी है ही है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी खोआ गुजिया कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, खोआ गुजिया। तो देखिए दोस्तों, गुजिया बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो मैदा। ये देखिए, आधा किलो मैदा लिया है। अब इसमें हम मोइन डालेंगे। तो यहाँ पर हमें घी का मोइन डालना है। तो ये देखिए, मैं घी का मोइन डाल रही हूँ। एक कप के करीब यहाँ पे हम डाल रहे हैं घी। अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे। हल्का सा और डालेंगे इसके अंदर हम। देखिए दोस्तों, जितना अच्छा हम मोइन डालेंगे उतने ही हमारे गुजी अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी। अब हम आटा लगा के तैयार कर लेंगे। तो देखिए, आटे का डो हमारा लग के तैयार है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट रहने देंगे, रखा रहने देंगे ताकि ये और अच्छे से सेट हो जाए। तो 10 से 15 मिनट हम इसे रहने देंगे। तो चलिए, तब तक हम इसके लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है। इसमें हल्का सा हम घी रख के ये काजू और बादाम को भून लेंगे। Thank you.
सूजी अच्छे से भून ली है हमने। देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसे भी एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो अब देखिए हम ये खोया मिलाएंगे इसके अंदर। दो मिनट के लिए इसे अच्छे से हम सेक लेंगे। ये देखिए ये हार्ड लग रहा है तो इसे थोड़ा सा नरम कर लेंगे हम, ये मुलायम हो जाएगा। अब हम इसके अंदर ये किशमिश डालेंगे, इलायची पाउडर, नारियल, काजू और बादाम। अच्छे से मिक्स कर लेना है इन्हें हमें। अब ये भुनी हुई सूजी मिलाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस को बंद कर लेंगे अब हम। तो अब हम इसमें सबसे लास्ट में आधा कप चीनी डालेंगे। ये देखिए आधे से एक कप चीनी हो गया है। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर हम। तो दोस्तों देखिए तैयार है हमारा गुजिया के अंदर भरने वाला स्टफिंग। तो अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे गुजिया के अंदर भरेंगे। देखिए इस तरह से हमें बॉल्स बनाने हैं आटे के। अब मैं आपको एक बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसकी हम छोटी सी पूड़ी ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से पूरी बेलना है। अब इस पूरी को हम इसके ऊपर रखेंगे और अब इसके अंदर ये स्टफिंग भरेंगे हम।
देखिए इस तरह से करेंगे और अब इसे दबा देंगे इस तरह से, थोड़ा टाइट रख के दबा देंगे। और जो ये एक्स्ट्रा निकला है आटा, इसे हम ऐसे करके निकाल लेंगे इस तरह से। तो भी देखिए दोस्तों, ये देखिए बहुत ही अच्छी गुजिया बनी है हमारी। ये देखिए इस तरह से हमें सारी गुजिया बनाना है। तो चलिए इसी तरह से हम सारी गुजिया बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें सारे गुजिया भरने हैं। अब हम इसे तेल में छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख लिया है। अब हम इसे छान लेंगे, तेल अच्छे से गर्म होने देंगे तेल को। तो देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके ये गुजिया मिलाएंगे। हमें गैस को लो फ्लेम पे रखना है। तो देखिए हमें इसे यहाँ तक पकाना है। ये अब अच्छी पक चुकी है, तो इसका कलर भी अच्छा ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी गुजिया बनी है हमारी। इसी तरह से हम सारी गुजिया छान देंगे।
तो देखिए दोस्तों, तैयार है हमारे गर्मा गर्म गुजिया। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ये। तो दोस्तों होली का समय है तो आप बनाइए इस तरह से गुजिया, बहुत ही अच्छी बनेगी आपकी। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते, धन्यवाद।